नमस्कार दोस्तों, नेचर दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे स्वीट पोटैटो वाइन की किस तरीके से केयर की जाती है ताकि ये प्लांट तेज़ी से बढ़े, ताकि एक प्लांट से आप ढेर सारे प्लांट बना सके जैसा कि हमने बना लिया है। इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हिंदी में इस प्लांट को शकरकंदी कहा जाता है। इस प्लांट को हम लोग सजावट के रूप में लगाते हैं। दोस्तों, ये प्लांट दो कलर में आती है, एक पर्पल कलर और दूसरी ग्रीन कलर। पर्पल कलर जो हमारे पास है, ग्रीन वाली हमारी अभी बारिश की वजह से ख़त्म हो गया है। एक दूसरी पर्पल कलर में आती है जो अंगूर के पत्ते के आकार का होता है, वो भी देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। इसे आप सनलाइट में भी रख सकते हैं, 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं। आउटडोर में भी लगा सकते हैं, इंडोर में भी रख सकते हैं, मगर इंडोर में रखने से इसके पत्ते की चमक ख़त्म हो जाती है। इसे आप नर्सरी से ला के गमले में लगा दें और इसकी कटिंग बड़ी ही आसानी से ग्रो की जाती है। इसकी नोड एरिया को आप मिट्टी में लगा दें तो ये बहुत आसानी से लग जाती है। ये साल भर में होने वाली प्लांट है, इसे आप किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो वाइन है इसे हफ्ते में एक बार ही पानी डाला करें, वो भी जब इसकी मिट्टी सूख जाए। आप देख लें, जब इसकी मिट्टी सूख गई है, मॉइस हो गई है, तो उस समय इसमें पानी डाला करें। ज़्यादा पानी डालने से भी इसकी पत्ती गिरने लग जाती है। पोटैटो में कीड़े मकोड़े फंगस लगने के भी डर रहती है। इसके कोमल कोमल पत्ते हुए बीच में फंगस लग जाती है, इसलिए इसे समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया करें। इस वाइन की मिट्टी में मिट्टी और बालू से इसका मिट्टी तैयार कर लिया जाता है और खाद में कंपोस्ट डालें, गोबर का खाद डालें, चाहे गोबर के लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालें। 10-15 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा डाल दिया करें। स्वीट पोटैटो वाइन में सर्दी के दिनों में फूल आती है, मगर वो भी फूल कोई खास नहीं होती है, पर्पल कलर के ही फूल आती है, छोटी छोटी सी फूल होती है। स्वीट पोटैटो वाइन एक बेलदार नुमा प्लांट है, जिसे आप अगर हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो यह देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सुंदर लगेगा। इस स्वीट पोटैटो का लीफ देखिए कितने सुंदर हार्ड शेप के आकार का है। हमने एक छोटे से पॉट पे इसकी एक कटिंग को ग्रो की थी, देखिए ये कटिंग कितनी अच्छा आसानी से लग गई है।